पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव और बीजेपी में शामिल होने के सवाल का जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी फैसला करेगी, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि ये सब अफवाहें चलती रहती हैं। हालांकि राजनेताओं के पार्टी छोड़ने पर जो जवाब कमलनाथ ने दिए वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि सब स्वतंत्र हैं, पार्टी से कोई बंधा हुआ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इनपे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। देखिए हवाएं चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ छिंदवाड़ा सहयोगी शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। शाश्वत, छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कमलनाथ, ये दौरा काफी अहम रहा, लेकिन उसके साथ ही साथ उनके बयान उससे ज्यादा अहम रहे, चर्चाओं का केंद्र बन रहे हैं। देखिए अस्मिता, बिल्कुल आज 4 दिवसीय दौरे पर कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। साथ में सबसे पहला जो सबसे उत्सुकता वाला सवाल था जो उनसे पूछा गया कि आप, क्योंकि कमलनाथ के बारे में और उनके जो सुपुत्र नकुलनाथ जो यहाँ से सांसद, उनके बारे में काफी टाइम से अटकलें चल रही थी कि ये पिता पुत्र बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसको आज कमलनाथ ने सिरे से नकार दिया और कहा कि ये सब अफवाहें चलती रहती हैं। तो काफी समय से अफवाहों का बाजार गर्म था कमलनाथ और नकुलनाथ के बारे में, क्योंकि दोनों के बारे में काफी क्षेत्र में अटकलें थी और काफी जगह भी लोग कह रहे थे कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये खासतौर पर नकुलनाथ के बारे में कहा जा रहा था। और दूसरी बात ये, दूसरा जो उनसे सवाल पूछा गया कि छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव कमलनाथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक पृष्ठभूमि ये है कि नकुल जो पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने कहा था कि हम सभी दिग्गजों को इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उतारेंगे। तो जाहिर सी बात है कमलनाथ छिंदवाड़ा के दिग्गज नेता है, 9 बार के यहाँ से सांसद रहे हैं, तो इसी कारण छिंदवाड़ा से कमलनाथ का दावा काफी मजबूत माना जा रहा था। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस बारे में तय करेगी, तो पार्टी फैसला करेगी, अगर पार्टी फैसला करेगी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ू तो मैं यहाँ से चुनाव जरूर लड़ूंगा।